बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजैन, वैसे आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, शुरू ही जल्दी से। यजैन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जयान शुरू हुई है। हाँ, करत शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिया हुवल अबतर। सदकल्लाहुल अज़ीम। शाबाश, सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम तालिबे इल्म, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सही, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का हमारा उनवान है, बराए मेहरबानी बेटा, अब आप लोग सब अपनी बिल्कुल एक जगह होकर बैठ जाइए, सबकी वीडियोस ऑन होनी चाहिए ताकि मिस देखें, और आप ऐसे समझें कि आप अपनी क्लास में बैठे हुए और मिस की तरफ तवज्जो दीजिए, ठीक है, ताकि मिस आप लोग को देख सके। अपनी वीडियोज ऑन रखें, अगर आपको सवाल पूछना हो तो आप उसमें हाथ उठा खड़ा कर सकते हैं, अगर मिस पूछने समझ में आ गया तो हाँ या ना सर हिला के उसका जवाब दे सकते हैं। पहले जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी पिछली दफ़ा जमात में मुतशाबे अल्फाज, इसके हमने जुमले बनाए थे। मिस एक दफ़ा और दोहरा दें और आप लोगों को बता दें कि नेक्स्ट वीक मतलब कि अगले हफ्ते आप लोगों की मिस ने क्विज असाइन करेंगी, उससे पहले आप लोग को उस नोटिस या सर्कुलर नोटिफिकेशन दे दी जाएगी। आप लोगों के क्विज जो हैं, जो हमने पढ़ा है मुतशाबे अल्फाज, उसके हवाले से होंगे कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि मुतशाबे अल्फाज से क्या मुराद है, ये जो अल्फाज ये हैं उसके मायने क्या हैं, ठीक है, इस्म से क्या मुराद है, फेल की तारीफ क्या है, ठीक है, ये सब आप लोगों को जो कवायद मिसने पढ़ाए थे दोहराए थे इसके बारे में आप लोगों को इसकी मशक करनी है, याद करना है, ताकि आप लोग सवालात के जवाब आराम से दे सकें, ठीक है। हमने पढ़ा था मुतशाबे अल्फाज, या ऐसे अल्फाज होते हैं उर्दू जुबान में जो कि तलफ्फुज में अदायगी में एक जैसे होते हैं लेकिन लिखने में इमला और उसके माना बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। यहाँ पे चंद देखिए अल्फाज ये हुए हैं, आम, ठीक है, आम, आम, आम फल है, और ऐन अलिफ आमीम आम सबके लिए। ये सब हम लोग इसकी कर चुके हैं और इसके आप मायने करके जुमले बना के ये होमवर्क भी सबमिट करवा चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग को इस समझ में आया है कि आप लोगों ने इसके जुमले बना लिए होंगे, ठीक है, बना लिए आप लोगों ने, ये वर्कशीट कर ली है सबने। यस दानिया, शाबाश। अब हम आइए, आज हम दूसरी वर्कशीट की तरफ आते हैं और ये अपनी वर्कशीट करते हैं, वो ये है जी ये वाली वर्कशीट। हाँ, इसमें क्या करना है आपको, सब अपना देखिए वर्कशीट निकालिए, कलम पेंसिल निकालिए, कलम निकालिए, यहाँ अपना नाम लिखिएगा, जमात और मौरखा, मौरखा मतलब तारीख, आज है 18 जून सन 2020। सवाल ये है, जुमलों के सामने दिए हुए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज चुन के खाली जगहों को पुर करें। ये एक मिशारा, यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको जुमले दिए गए हैं, ठीक है, इन जुमलों को ये जो कॉसन मतलब कि ब्रैकेट में जो अल्फाज दिए हुए हैं उसकी मदद से उसको पुर करना है ताकि इनका फर्क पता चले आप लोगों को। नंबर एक जुमला है, मस्जिद से अजान की डैश आ रही है, तो कौन सा सदा आएगा, सीन दाल अलिफ या स्वाद दाल अलिफ, ये आएगा स्वाद दाल अलिफ सदा, ठीक है, मस्जिद से अजान की सदा आ रही है, सदा, सदा मतलब आपको वर्कशीट में करवाया था ना हमने पिछले, करा था मतलब क्या है इसका, आवाज, तो मस्जिद से अजान की आवाज सदा आ रही है, तो आपने इसमें से चुन के यहाँ लिखा और ये खाली जगह को पुर कर लिया, ठीक है, सही है। इसी के नीचे नंबर दो, इसी के नीचे देखिए, डैश खुश रहो, सदा खुश रहो,
सीन दाल अलिफ सदा, दूसरा वाला सदा आएगा, सदा खुश रहो। हाँ शाबाश। इस तरह ये वाली वर्कशीट करने से आप लोगों को मुतशाबा अल्फाज जो हम लोग पीछे पढ़े हैं उसको जुमलों में इस्तेमाल करना और उसको खाली जगह पुर करना आसान हो जाएगा और आपको आ जाएगा। यस अब्दुल्ला फरहान जी बेटा। टीचर ये वाली जो वर्कशीट है जी, ये हमारे उर्दू में भी ऐसा है। हाँ जबरदस्त। इसका मतलब आपने नर्दबानी उर्दू देखा है, उसकी मश्क की है तो आपको पता है। शाबाश जबरदस्त अब्दुल्ला फरहान, कीप इट अप बेटा। इस तरह पढ़ते रहे, तरक्की करते रहे आप लोग। अच्छा अब देखिए नंबर दो, गर्मियों का फल डैश है, गर्मियों का फल डैश है आम या आम, बताइए क्या आएगा इसमें। अलिफ मद आम, मीम साकिन आम। यस यस जयान। हाँ विजय हाँ, कौन सा वाला आम। अलिफ मद आम, मीम साकिन आम। शाबाश वेरी गुड। युसरा आप कर रही है वर्कशीट बेटा, आप बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आ रही, बराए मेहरबानी अपने आपको क्लियर कीजिए ताकि मैं आपको देख सकें कि आप वर्कशीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। यस जयान। टीचर क्या कहते हैं, आपने जो होमवर्क दिया था ना वो मैंने सबमिट करवा दिया। शाबाश हमने देख लिया था, बहुत खूब जबरदस्त, ये ऑल आर स्टार, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। अच्छा नंबर इसके नंबर दो का देखिए दूसरा, डैश तौर देखिए, डैश तौर पर हर गली में कचरा दिखाई देता है, आम तौर पर, ऐन अलिफ आम मीम साकिन आम। तो यहाँ कौन सा आम आएगा, ऐन वाला, ऐन अलिफ आम मीम साकिन आम। आम तौर पर हर गली में कचरा दिखाई देता है, मतलब कि आम है ना ये सब, ये बात कॉमन है कि आप हर जगह देखिए कचरा दिखाई दे रहा है, सही। तो कौन सा आम आ गया हमारे पास, ऐन अलिफ आम मीम साकिन आम, ये वाला आम आ गया। ठीक है ये मश्क आपको इसकी ये जरूर करनी है, वर्कशीट ये वाली भी। ठीक है बच्चों शाबाश। हाँ सब करते हुए नजर आए मैं इसको, एक मिनट जाया बेटा जरा रिजा से देख लें, रिजा ने हैंड रेस किया था। हाँ बिल्कुल शाबाश, सब एक्टिव बैठे हुए हैं, बहुत जबरदस्त। इसको देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग सब एक्टिव और बिल्कुल जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे बैठे हुए। शाबाश साकिब ये वाली वर्कशीट कीजिए बेटा। यस रिजा जी बेटा, अपना कैमरा खोलो टीचर, वो मेरा लैपटॉप का कैमरा सही नहीं है तो इसकी वजह से मेरी वीडियो नहीं खुल रही है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है, सही है, चलें कोई ऐसी बात नहीं, हमने बता दिया। अब कोशिश कीजिएगा कि आइंदा थोड़ा आप मिस को नजर आ सके। एक मिनट रुक जा जरा, आपको माफ कर दें। अब नंबर तीन देखिए, एक मिनट शारदा, अब नंबर तीन देखिए, वो डैश की नमाज के बाद खेलने जाता है, कौन सा आएगा, असर। यस यस ओवर टू यू। यस बेटा मुबशिर, योर नेम इज मुबशिर। बताइए। हम कह रहे हैं कि हमने कर ली है वर्कशीट। जबरदस्त वेरी गुड। अब आपको ये मश्क करवाने का क्या मकसद है हमारा आज, इसलिए मैं आपको ये करवा रही है ताकि आपको जब क्विज हो या कोई सवाल हो, हमने जो वर्कशीट की थी वो वाजे तो ये वाजे हो जाए आपको कि हमने कैसे किया है, सही है। ठीक है शाबाश ओके, अपने आपको म्यूट कर लीजिए बेटा। अच्छा यस शाहरज़ा, एक मिनट, वो असर की नमाज के बाद खेलने जाता है, कौन सा असर इस्तेमाल होगा इसमें से, ये वाला असर, एन स्वात रे असर। ठीक है इस दवा में डैश नहीं है, इस दवा में असर नहीं है, अलिफ से रे असर। ठीक है सही समझ में आ गया, अलिफ से रे असर, ये वाला असर इस्तेमाल होगा। अब आइए नंबर चार,
उसको दूर से सही डैश नहीं आता, तो कौन सा वाला होगा? हाँ लिखिए आप लोग, ये ना ये वाली वर्कशीट आप सब सबमिट करवा देंगे। उसको दूर से सही नजर नहीं आता, नून जोएरे नजर, ये वाला नजर आएगा। यस शाहरजा जी बेटा, क्या पूछ रहे हैं आप? शाबाश, आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप लोग को मिसने ये बताया ना कि करवाने का मकसद ये है बेटा कि आप लोगों को थोड़ी ताकि मिस करवाएं मश्क हो उसकी, ताकि आप लोगों को जो क्विज हो और जो सवाल हो आपको आसानी हो जाए। अच्छा, उसने मुझे डैश पेश की नजर, नून जेरे नजर, तोहफा नजराना जिसे हम कहते हैं। ठीक है दानिया, समझ में आया आपको? दानिया ये वर्कशीट कर लिया आपने? सही, अभी मैं आप लोगों को ना चंद ऐसे अल्फाज देंगे, फिर उसको जुमले बनाने होंगे। अब नीचे देखिए, अब सवाल नंबर दो देखिए, खाली जगहों को खत कशीदा अल्फाज के मुतजाद लिखकर पूर्ण कीजिए। खत कशीदा, यहाँ लफ्ज स्टार्ट हुआ हुआ है, यहाँ लफ्ज लिखा हुआ है खत कशीदा। खत कशीदा मतलब होता है कि जिसके जिस लफ्ज के नीचे, अल्फाज के नीचे लाइन खींची हुई हो, अंडरलाइन वर्ड को कहते हैं खत कशीदा अल्फाज। जैसे कि यहाँ पे अमन, अलिफ में अलिफ मीम नून अमन, अमन के नीचे क्या एक एक लाइन खींची हुई है, तो ये क्या हो गया, ये खत कशीदा अल्फाज हो गए। आपको इसकी उलट लिखने हैं इस ब्लैंक में, ये जो ना अमन डैश से बेहतर है। यहाँ पे लिखा हुआ है मुतजाद, आप लोग देख रहे होंगे मुतजाद, मीम तेज वाद अलिफ दाल मुतजाद। ठीक है, मुतजाद से क्या मुराद होता है? मुतजाद से मुराद होता है उलट, अपोजिट्स, जैसे कि अच्छा बुरा, अमन जंग, दिन रात, जिंदगी मौत, मुश्किल आसान, काला गोरा, ठीक है, खुशी गम, आना जाना, मतलब कि ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं, अलग होते हैं। तो आपको खाली जगह कैसे पुर करनी है बेटा? इन खाली जगहों को, इन खाली जगहों को आप क्या करेंगे, जो अंडरलाइन वर्ड है उसके अपोजिट लिखेंगे यहाँ पे, ताकि ये पूरी पूरे जो खाली जगह है पुर हो जाए। मिसाल के तौर पर नंबर एक, अमन डैश से बेहतर है, अमन जंग से बेहतर है। अमन का अपोजिट क्या हो गया? जंग। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? जंग। जीम नून गाफ जंग लिखिए यहाँ पे नंबर एक पे, इसको खाली जगह को पुर कीजिए। जो अंडरलाइन वाले अल्फाज हैं उनके आपको उलट लिखने हैं, जिद लिखने हैं ब्लैंक्स में, खाली जगह में, और इस तरह ये हमारे पुर हो जाएंगे खाली जगह। वो दिन डैश मेहनत करता है, वो दिन रात मेहनत करता है। दिन का अपोजिट उलट क्या होता है? रात, रे अलिफ ते साकिन रात। सही, वो दिन रात मेहनत करता है। ठीक है, शाबाश। सिनान कहाँ गए? यस अभी, हाँ जी, आपको क्या पूछते हैं बेटा? पूछिए। मिस मैंने बहुत देर पहले उठाया था कि मुझे पूछना था, आपको बताना था कि मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिया, नीचे वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने वो आपसे मुझे पूछना था, पर मुझे अब समझ में आ गया। आई एम डूइंग। शाबाश, जबरदस्त, थैंक यू, वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे हैं, मजा आता है आपकी क्लास लेके। तो मिस खुश हो जाती है, माशाल्लाह से लगता है कि मिस ने, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, शाबाश। हाँ यस अमसाल जी, बेटा अमसाल। मिस मैं बोल रहा था, ये क्वेश्चन नंबर जो फोर है, सवाल नंबर दो को, वो क्या है, समझ में नहीं आ रहा। हाँ जुमला पढ़िए, जुमला पढ़ के बताइए मिस को, नंबर चार पे मेहनत। मिस जो खुद कशीदा वो वर्ड है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। मेहनत करें तो मुश्किल काम भी डैश हो जाता है। मुश्किल, मीम शीन काफ लाम मुश्किल, मुश्किल का अपोजिट क्या होता है? यस अमसाल, मुश्किल का अपोजिट क्या होता है बेटा?
हाँ आसान, तो क्या होगा नंबर चार का, मेहनत करें तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। आसान, अलिफ मद आ सीन अलिफ सा नून साकिन, आसान। यस मुबशिर। मिस मैं कह रहा हूँ कि पांचवा बादशाह ने दैश को बुरी सारी अश्लिया बहुत सारी बादशाह ने मिस, बादशाह का अपोजिट क्या होता है? वजीर। म्यूट कर लीजिए अपने आप को, सब कुछ मिसने कर दिया। अच्छा ही, पहले नंबर तीन पे जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में। जिंदगी का उलट क्या होता है? मौत। मी वाओ ते मौत। ठीक है, नंबर चार, मेहनत करें तो मुश्किल काम भी डैश हो जाता है आसान। अलिफ मद आ सीन अलिफ सा नून साकिन, आसान। मुश्किल जो अंडरलाइन वर्ड है ना, खत कशीदा अल्फाज कौन सा है हमारा? मुश्किल। तो मुश्किल का उलट क्या होगा, मुतजाद क्या होगा? आसान। बादशाह का उलट क्या होता है? वजीर या फकीर। फकीर लिखिए, सॉरी बेटा, क्या होगा? बादशाह ने फकीर को बहुत सारी अशर्फियां दी। बादशाह का उलट क्या होता है बेटा? फकीर। पे काव ये रे फकीर, नुक्ते वाला काफ, पैंची वाला काफ। बादशाह का उलट क्या होगा? मुतजाद, फकीर। शाबाश, सॉरी बेटा। ठीक है, नंबर छह, नारियल ऊपर से सख्त सीन खे ते सख्त और अंदर से डैश होता है, और अंदर से सख्त का उलट क्या होता है? नरम। नून रे मीम नरम। यस समसाल, व्हाट हैपन, काम कीजिए। शाबाश, वेरी गुड शाहरजा। यस शाहरजा बेटा, आप क्या पूछ रहे हैं? सख्त का उलट क्या होता है शाहरजा? नरम। नरम के हिज्जे बताइए जरा। नरम हिज्जे बताइए, नरम कैसे लिखते हैं? नून रे नरम, नून रे और मीम नरम। शाबाश, ये वाली वर्कशीट कर ली आप लोगों ने? यस मिस, पूरी कर ली। शाबाश, अब ये ए इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब आपसे मिस क्विज पूछेंगी ना, क्विज आपको असाइन करेंगी नेक्स्ट वीक, तो ये आप लोगों को बहुत मावन साबित होंगी ये चीजें। बहुत मावन मतलब क्या होता है? मददगार साबित होंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, चलें अब जरा सब इधर आ जाइए। सबने वर्कशीट कर ली है वाली जो हम लोगों ने अभी करी है? सबने कर ली है? जरा अपनी वर्कशीट दिखाइए सब मिस को, या जहां भी काम किया आपने दिखाइए सब अपनी। शाबाश, जबरदस्त, वेरी गुड। असगर, अभी आप लेट क्यों आए बेटा? शाबाश। शाहरजा, दिखाइए वर्कशीट अपनी, वेरी गुड। दानिया, आर्यन, जबरदस्त। अनाया, शाबाश। अब्दुल्ला, दानिश, राफे, आमना, आप लोगों के बिल्कुल वीडियोस नजर नहीं आ रही मिस को, तो अब देखिए परेशानी हो रही है ना, तो कैसे देखेंगे मिस? ठीक है, शाबाश राफे। यस, ओवर टू यू राफे। शाबाश, सबने वर्कशीट रख दीजिए। यस राफे, आपका माइक मिस ने ऑन किया है। हाँ मिस जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। मिस वो मेरा कंप्यूटर में कैमरा नहीं है, जब भी वो मैं कैमरा नहीं खोल सकता। हाँ हाँ, जब भी मिस ने आपको अनम्यूट करा ताकि आप बता सके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, और आप कैसे हैं बेटा? आपकी फर्स्ट क्लास है ये, ठीक है आप? यस। अच्छा, समझ में आ गया जो हमने पढ़ा है आज? हाँ मिस, मैंने अपनी वर्कशीट कर चुका हूँ। शाबाश जी, आपने सबमिट भी करवा दी है। सबमिट भी करवा दीजिएगा सब अपनी वर्कशीट ये वाली। ठीक है, अच्छा आमना। यस आमना, राफे और रिजा ने तो बता दिया है कि उनके साथ। अब नेक्स्ट टाइम आप लोग काइंडली अपने वीडियोस ऑन रखिएगा जिनके पास है ये सहूलत, ताकि मिस आपको देख सके और आपकी वर्कशीट देखे आपने करी नहीं करी। अच्छा, अब जो कल वाली वर्कशीट है वो सब दिखाइए मिस को जरा। कल जो हमने वर्कशीट की थी मुतशाबा अल्फाज की, आम, फल। हाँ युसरा बेटा, दिखाइए वर्कशीट कल वाली। हाँ युसरा, आप नजर नहीं आ रही मिस को। यस अब्दुल्ला फरहान, शाबाश, जबरदस्त।
दानिया कल वाली वर्कशीट दिखाई है, शाहरजा आप भी, यूसरा आप भी, आज और कल दोनों मूवीज आप भी, हाँ वेरी गुड जयान, अबीहा आप भी, अब्दुल्ला फरहान यस जी क्या कह रहे हैं बेटा, वर्कशीट शो कीजिए दोनों मिस को। कल एब्सेंट था क्योंकि मेरा नेट नहीं चल रहा था कल से। अच्छा लेकिन ये जो काम है बच्चा हमने आपको पिछले हफ्ते दिया हुआ है, मुतशाबा अल्फाज वाली वर्कशीट जो हमने देखी, ये वाली वर्कशीट है, ये दोनों वर्कशीट्स आपको, क्या मैंने नंबर, मैंने असर तक किया हुआ है सर। ठीक है असर तक किया हुआ है आपने, आगे वाले जुमले नहीं बनाए आपने? नहीं टीचर। अच्छा तो बराए मेहरबानी आप बना लीजिएगा ये जुमले, यूं हम लोग कर चुके हैं काम, आप थोड़ा सा मिस रिवाइज कर ले ताकि आप लोग का नेक्स्ट वीक जो क्विज है उसके बारे में आप लोग को आसानी हो जाए ताकि आप लोग आराम से क्विज अटेंड कर सके। ठीक है बेटा आपने ये जो काम कर लिया है, होमवर्क कर लिया है, अपने पोर्टल पे जाएंगे और आप लोग क्या करेंगे उसको सबमिट करवा देंगे। ठीक है उम्मीद है कि आज आपको ये वर्कशीट हम लोग को आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यस मिस दोहरा रही है उसके बाद फिर सबके सवाल लेती है। ठीक है इधर देखिए सब, हाँ मुइज सिनान और मुबशर अभी मिस आपसे जरा बात करती हैं। क्या करना है बच्चों अब जो आपका क्विज है नेक्स्ट वीक, आप लोगों का जो क्विज है सही, उसमें आप लोगों किस 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 चीज की तैयारी करनी है। हमने पढ़ा था मुतशाबे अल्फाज होमोफोन्स किसे कहते हैं, किन अल्फाजों को कहते हैं, जुमले के जरिए आप लोगों को किस तरह इस्तेमाल करना है ये भी उम्मीद है कि आ गया होगा आप लोगों। ठीक है अच्छा उसके साथ साथ हम लोगों ने आज पढ़ा है मुतजाद अल्फाज, उसके मतलब क्या होते हैं उलट, एक दूसरे के उलट मुतजाद अल्फाज, जैसे कि दिन रात खाना पीना। ठीक है अब उससे फिर हम लोग ने पढ़ा इस्म, इस्म से क्या मुराद है, इस्म वो कलमा है जो किसी शख्स नाम चीज जगह के नाम को, शख्स के नाम को जगह चीज जानवर के नाम को जाहिर करे, अंग्रेजी में देखें दोस्तों हम क्या कहते हैं नाउन कहते हैं। ठीक है आगे समझ में। अच्छा उसके बाद फेल, फेल से क्या मुराद है, फेल किसी काम करने को कहते हैं, खाना पीना सोना जागना। ठीक है फेल फाइल मफूल, फेल फाइल मफूल हमने पढ़ा था ना। ठीक है फेल काम करने को कहते हैं, फाइल जो काम कर रहा होता है, मफूल जिसपे काम हो रहा होता है। ठीक है यस अली बेटा बिल्कुल अटेंटिव हो जाइए, जब क्विज होगा तो आप लोगों को जो मिस बात बता रही हैं जो दोहरा रही हैं ये बहुत माविन साबित होंगे, काम आएंगे आपको क्विज अटेंड करने में। सही है बेटा ठीक है। अच्छा और एक मिनट मुबशर, दो मिनट बेटा, अब क्या है सिफ्त और मौसूफ ये हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप हम लोग ने क्या तक क्या कहाँ तक पढ़ा है, मुतशाबे अल्फाज पढ़ा है हम लोगों ने, और हम लोग ने पढ़ा है सिफ्त फेल फाइल मफूल इस्म और मुतजाद अल्फाज। अब अगली नशिस्त में हम लोग क्यों क्या चीज करेंगे, मजबून नवेसी, किस चीज पे आएंगे अब हम लोग, मजबून नवेसी पे आएंगे। ठीक है अब आइए सवालात पे, यस सिनान आपकी तरफ मिस आती हैं जी बेटा। बेटा आपने तो होमवर्क का भेजा ही नहीं पोर्टल पे, आज की जो वर्कशीट आपने कराई है जी बेटा, हमने तो सबमिट ये वाली वर्कशीट दी है मुतजाद अल्फाज की, आप एक दफा और देख लीजिएगा। ठीक है नहीं टीचर पोर्टल पे, हाँ अच्छा आप देख लीजिएगा, मिस ने दो एक वर्कशीट वो दी थी मुतशाबा अल्फाज की और ये वर्कशीट कल दी है, अगर नहीं है तो एक दफा और चेक कर लीजिए। ठीक है हम दोबारा देख लेंगे। सही है सिनान मुबशर, यस मोबाइल मुबशर बताइए। मिस मैं कह रहा था कि आप ये वाली वर्कशीट का टेस्ट लेंगे जो आपने करवाई है जी, दोनों जो वर्कशीट करवाई है ना आपको, ठीक है उसके अच्छी तरह मश कीजिएगा आप लोग। सही है इसलिए कि मश मतलब करेंगे आप ताकि आपको क्विज में आसानी होगी। सही ठीक है आगे सुन रहे, शाबाश जी जी सही, और आपको दोहरा भी दिया मिस ने अभी सबके लिए, इससे क्या उससे क्या मुराद होता है। यस मुइज अब आप आइए जी जी मुइज बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था जी फरमाइए, ये मैंने ना ये वाला ये जो कल वाला था ना ये अलम झंडा का जी जी, इसमें ये लिखना था ना मेरे अलम सदा बुलंद रहे, मेरे मुल्क का अलम सदा बुलंद रहे,
शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है? ठीक है, मुतजाद अल्फाज क्या होते हैं? यस असगर, असगर अपनी वर्कशीट दिखाइए बेटा। हाँ, जो कल की वर्कशीट है और आज की वर्कशीट है, अभी आप लेट आए हैं, और आइंदा से ख्याल रखिएगा कि क्लास हो रही है, आप लोग बराए मेहरबानी टाइम पे आया करें। मिस आप लोगों का 5 मिनट्स तक, बल्कि 12 मिनट्स, 5 और 6 मिनट्स तक वेट करती हैं, उसके बाद क्लास स्टार्ट करें ताकि आप लोग आने में कोई मुश्किल ना हो। वर्कशीट कर ली जी, जी शाबाश। आज वाली मैंने आधी करी है क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद आया था, सॉरी मिस। कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे आंदा ख्याल रखिएगा, मैथ्स की क्लास होगी, होगी तो मैं कंफ्यूज था। अच्छा, कोई मसला नहीं है असगर बेटा, पता है कैसे कहते हैं? मैं ये समझा कि मैथ्स की क्लास होगी, है ना। उर्दू हम बोलने में जो तलफ्फुज अच्छा करें, हमने होगी नहीं होता, होगी कोई वर्ड नहीं होता, होगी। ठीक है, हम उर्दू पढ़ने के साथ साथ उर्दू बोलना भी, उर्दू की अदायगी भी सीखते हैं। सही सही है, ठीक है, सही है बेटा, शाबाश, जबरदस्त, सही है। यस यस अभी, हाँ जी अभी फरमाइए। मिस आई वांट टू आस्क दैट, मैंने बताना है मुझे कि आपको दैट आपने जो होमोफोन्स की वर्कशीट कराई है, उनके मैंने सारे सेंटेंसेस जाके कंप्लीट कर लिए, और वो मुझे बोलना था दैट मैथ्स की क्लास होगी अभी क्या आपकी क्लास के बाद? नो बेटा, आज मैथ्स की नहीं होगी, मिसने कल मैथ्स की 2 क्लासेस ले ली थी ना, ठीक है, तो इसलिए उसके ताकि आपका हर्ज ना हो, कल थोड़ा हर्ज हो गया था उर्दू की वजह से, तो इसलिए आज मैथ्स की क्लास हमने ले ली है। तो मिस मैं आपको जो मैंने होमोफोन्स कम्प्लीट कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा पढ़ के बता दूँ, आप वहाँ पे पोर्टल पे हाँ बेटा पोर्टल ताकि जो मिस्टेक है तो जाके जो मिस्टेक्स है वो आप मुझे अभी सही करा दें क्लास में ही। अच्छा बेटा, आप पोर्टल पे सबमिट करवाइए, वहाँ हम चेक करेंगे, जो होगा मिस्टेक्स आप लोगों पे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है बेटा, ये क्लास लिमिट थोड़ी होती है ना, बहुत जबरदस्त आपने काम किया है, आई रियली प्राउड ऑफ यू, जबरदस्त। यस आमना, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोग माशाल्लाह। यस आर्यन, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं माशाल्लाह से। वर्कशीट कर ली आपने? होमवर्क क्या है बेटा? आपका होमवर्क ये है कि आप लोग को होमवर्क क्या है? हाँ हाँ आमना सुनिए, आपका होमवर्क ये है, आप देखिए पोर्टल पे मिस ने अपलोड कर दिया, अपडेट कर दिया, आपको वीडियो एक लिंक भेजा है वीडियो का, और 2 वर्कशीट दिखाई है, ये वर्कशीट आपको दोबारा दिखा दें हम, ये वाली वर्कशीट आप लोगों को करनी है, ये वाली वर्कशीट करनी है, सही है, और उसके बाद ये वाली वर्कशीट करनी है, एक मिनट जरा, हाँ ये दूसरी वाली वर्कशीट भी करनी है आप लोगों को, वाली वर्कशीट पता नहीं कहाँ गई, वो मुतशाद अल्फाज वाली, मुतशाब अल्फाज वाली, दोनों वर्कशीट करके आपको वो पोर्टल पे सबमिट करवाना है, और क्विज के लिए तैयार हो जाएगा। क्विज किसके किस हवाले से किया जाएगा आप लोगों को? क्विज होगा जैसे कि मुतशाबा अल्फाज, इसके हवाले से आपका क्विज पूछा जाएगा। अब हमारी क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, ठीक है, 2 मिनट्स रह गए हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब दुआ कीजिएगा अपने लिए, और सब एक दफा जरा इसको मुस्कुरा के दिखाइए अपने वीडियोस ऑन करके जरा, शाबाश, सब मुस्कुराएं जरा। यस साकिब, असगर, इसनान बहुत अच्छा मुस्कुरा रहे हैं, मुबशिर आप भी जी, यस अच्छे से मुस्कुराएं ना, जैसे मुस्कुराते हैं आप। अनाया, हाँ बहुत अच्छी मुस्कुराहट है माशाल्लाह आप सबकी। यस साकिब, मुइज, क्लास में तो ऐसे नहीं मुस्कुराते थे आप, क्लास याद आती है बहुत भाई, बहुत शरारती याद आती है आप लोगों की। यस अब्दुल्ला फरहान, है ना, GSL भी याद आता है हम लोगों को, इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करेंगे ना तो फिर स्कूल खुलेगा, फिर दोबारा GSL करवाएंगे, फिर आप लोग जीतने के लिए तैयार रहिएगा। सही साकिब, ये आपकी पहली क्लास है ना बेटा, फर्स्ट क्लास है साकिब आपकी जी, मिस आपके साथ है। हाँ साकिब बोलिए, आपको समझ में आ गया वर्कशीट कैसे करनी है जी साकिब? टीचर, टीचर क्विज कब होगा? नेक्स्ट वीक होगा। आप इस तरह कहेंगे साकिब, क्विज कब होगा? होएगा नहीं, होएगा कोई लफ्ज नहीं होता, क्विज कब होगा? ठीक है, उर्दू में तलफ्फुज अदायगी जो है वो भी आप लोग के बेहतर होने चाहिए, सही है, ठीक है।
यस मुबशिर, अब क्लास हम लोग अपनी खत्म करते हैं। अब मुबशिर आप बताइए, आपको कुछ सवाल पूछना है? आप कौन सा होमवर्क दे रही हैं? दोनों वर्कशीट आप पोर्टल पे देखिए, मैंने अपलोड कर दिया है। ये वाली वर्कशीट है आप लोगों को जो आपको करनी है, ये वाली भी वर्कशीट करनी है, और ये वाली वर्कशीट कौन सी है? एक मिनट बेटा, ये वाली नहीं, कौन सी है वर्कशीट दिखा दे मिस। हाँ, दूसरी वाली वर्कशीट अभी दिखाई थी ना आप लोगों को, अभी जो हमने की है मुतजाद और मुतशाब अल्फाज वाली वर्कशीट, वो भी आप पढ़नी है वर्कशीट, ठीक है? दोनों करके सबमिट करवा देना है। चलें, हमारी क्लास का टाइम खत्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोग अपना ख्याल रखेंगे बहुत बहुत। यस अभी, हाँ जी मिस, आई वांट टू आस्क, आपने जो एक कॉम्प्रिहेंशन की जो वर्कशीट दी हुई है वो तो मेरी वर्कशीट में कहीं भी नहीं है। कौन सी बेटा? एक आपने दी थी ना, एक अंकल घोड़े पे बैठे हुए थे। अच्छा, वो वाली वर्कशीट? वो तो हमारी वर्कशीट में नहीं है। अच्छा अच्छा,